रंग जा अपने ही रंग, तू हो जा अपने ही संग, तू बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू, बोलू व्हाट्सअप एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स, होप सो सब ठीक होंगे। तो यार आज हम लोग आए हैं रवात किले में। वैसे तो हम आए थे मंडी का ब्लॉग बनाने, यहाँ साथ ही रवात में मंडी लगी हुई है, लेकिन हम लोगों को जाने नहीं दिया। कहते हैं जी मंडी का ब्लॉग नहीं बनाना, पता नहीं उनका क्या मसला है, उनकी सिक्योरिटी का मसला है, इजाज़त लो। और इजाज़त हमने कहा अब हम किधर जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे। गर्मी भी बड़ी है, पहले इतनी गर्मी नहीं थी, सुबह सुबह बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त बड़ी तेज़ सख्त धूप है। और मेरे साथ हैं जी ये शाफे साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रवात किला 15वीं सेंचुरी में बनने वाला कारवांसराय। इंटर होने से पहले आपको दो बोर्ड्स नज़र आएंगे, एक पे किले का सारा मैप बना होगा और एक पे इसकी हिस्ट्री लिखी होगी। पढ़ के चले जाएं तो अच्छा होगा। इंटर होते साथ ही ये सामने एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि ये किसकी कब्रें हैं। इधर मैं एक दफ़ा बचपन में पहले आया हूँ, लेकिन वो टाइम भी रात का था और उस टाइम का मुझे इतना ज़्यादा याद भी नहीं है, लेकिन ये है कि पहले काफ़ी जो है ना टूटा फूटा सा था। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको काफ़ी सारी जगह जो ख़राब थी वो ठीक की हैं, और जो ठीक थी उनको उसी तरह छेड़ा नहीं है उसी असली हालत में। और ये बात भी ठीक है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो जितना असली हालत में रहें उतनी सही लगती हैं, खास तौर पर किले वगैरह। अभी गवर्नमेंट के बोर्ड वगैरह और कंटेनर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की हुई है इसकी, और ये यहाँ पे लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, रात को कोई आना चाहे तो रात को भी आ सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि दिन के वक्त रोशनी रोशनी के वक्त ही आएँ, उस टाइम ही सही तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग रात को भी आ सकते हैं। लाइटें वगैरह यहाँ पे सही लगी हुई हैं। ये मेन गेट है, यहाँ से इंटर होते साथ ही इस साइड पर दूसरा गेट है। इसके तीन गेट हैं, लेकिन उस साइड पर जो गेट है वो बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, उसके आगे दीवार लगी हुई है, और ये गेट जो है ये चलता है, लेकिन ये पास पास ही हैं दोनों गेट, और ज़्यादातर लोग इसी गेट से आते हैं, और मेन गेट भी यही है, मेन एंट्रेंस है। इस किले में एक तीन गुम्बद वाली मस्जिद और टॉम्ब भी है। ये टॉम्ब के साथ उसका छोटा सा सेंस है। ये सेन पहले बिल्कुल कच्चा होता था और अंदर से भी टॉम्ब बिल्कुल कच्चा होता था, लेकिन अभी जो है इन्होंने पक्का कर दिया है, वही जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस कर रहे हैं उसमें ये चीज़ भी इन्होंने पक्की की है। और इन्होंने चारों कोनों पे जगह छोड़ी हुई है जिसकी वजह से इधर रोशनी आती है, और ये दरवाज़ों में से भी आती है, और रोशनी काफ़ी है अंदर। ये यहाँ का जो है ना मेन स्विमिंग पूल है, यहाँ पे आप छलांग लगा सकते हैं। ये ऊपर टॉम के ऊपर से जाएंगे, यहाँ पे छलांग लगाएंगे, और क्या ठंडा पानी होता है। ये स्विमिंग पूल वाला सिर्फ एक मजाक था। यहाँ पे दरवाजे के साथ एक सीढ़ी ऐसी बनी हुई थी, वहाँ से अभी हम ऊपर आए, और यहाँ से स्टॉम का बड़े मज़े का व्यू आ रहा है, और यहाँ से पिक्चर भी जो है ना वो एक नंबर आ रही है। लेकिन अभी जो मेन एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है ना उसके साथ भी सीढ़ियाँ हैं, उधर जाएंगे, उधर से शायद और अच्छा व्यू आ जाए। ये जो दूसरा दरवाज़ा है उसके साथ आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से बड़ा मज़े का व्यू आ रहा है। आप लोग पीछे देखें किस तरह वो जो है ना परिंदे वगैरह घूम रहे हैं, और स्टॉम के अंदर भी काफ़ी परिंदे हैं, इस वजह से हम अंदर नहीं गए भाई, अंदर जाना नहीं ठीक। खैर अब चलते हैं मस्जिद वाली साइड पर। टॉम के बिल्कुल बैक साइड पर एक वज़ू खाना। वजू खाने में आपको एक पानी का कूलर नजर आएगा। डेढ़ दो घंटे घूमने के बाद आपको प्यास तो लगी होगी, यहाँ से पानी पी लेना। ओहो भाईजान ठंडा ठंडा पानी पी के ना मजा ही आ गया, कहा था ना पी लेना। खैर अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। मस्जिद के बिल्कुल बाहर ही एक छोटा सा गार्डन है, ये भी पहले नहीं होता था, अभी बना है, और मस्जिद भी पहले कच्ची सी थी। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। वहाँ नीचे से हो गए एक सीढ़ियाँ, फिर दूसरी सीढ़ियाँ, अब ये यहाँ से तीसरी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग सब ऊपर आ गए, और पीछे देखें सारा इलाका नज़र आ रहा है। ओके जी मस्जिद से होके आ गए, वहाँ पे ज़्यादा मैंने बोलने वाले पार्ट नहीं बनाए, जल्दी जल्दी किया है क्योंकि मस्जिद में जितना कम से कम शूट हो उतना सही रहता है। और अभी हम फुल ऊपर बैठे हुए, जिस तरह के आप लोगों को बताया कि तीन सीढ़ियाँ चढ़ के हम आ चुके हैं। शाफे साहब जो ऊपर खड़े होकर मज़े ले रहे हैं, अभी आपको यहाँ से नीचे का व्यू दिखाते हैं, इधर से नीचे बिल्कुल किले की दीवार से, यहाँ से मेरे से आगे जाने तो नहीं हो रहा, इसी तरह दिखाते हैं, ये चेक कर लें कितना ऊँचे हैं हम।
और अब इन्हीं रवायत की ऊंचाइयों से इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप सो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद दैट सेड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये जो उनका दरवाज़ा बंद है ना, उसके बिल्कुल साथ ही ये कमरे टाइप बने हुए हैं, इनके अंदर जाते हैं तो ये इस तरह कमरे टाइप हैं और यहाँ पे ये कुछ जगह सी बनी हुई है। अब ये नहीं पता कौन सी जगह है और यहाँ पीछे तक है।